हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ नॉर्थ चैनल स्विमिंग के लिए नॉर्दर्न आयरलैंड में डोनागिरी शहर में इंडिया की तरफ से स्विमिंग करने के लिए आए हैं। इसमें आज हमारा ड्रिल टाइप का स्विमिंग है, जिसमें हम अभी 1 घंटे स्विमिंग करके आए हैं और बारिश में स्विमिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसा वेदर कंडीशंस हैं। और ये शहर है, इसी है जिसमें एलविस भाई अभी कितना ठंडा है, कैमरा भी हिल रहा है, रीमो भाई कितना अभी, और साथ में जयंत हमारे साथ में, स्नेहान तमिलनाडु से हैं, एलविस भाई आसाम से हैं, रीमो जो हमारे काफ़ी दो पहले भी साथ में दो बार से। रीमो देखो, आप भी कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ आप मतलब सकल देशवासियों से और हमारे ये नॉर्थ चैनल के लिए, आप लोग देखिए कि बहुत ठंडा पानी है इधर। हम लोग इंग्लिश चैनल से भी बहुत ठंडा पानी है और वेदर का कंडीशन भी बहुत ख़राब है। और देख ही रहे हैं आज सितंबर के महीने में मैं ऐसा कपड़ा पहन के इधर आया हूँ। एलविस भाई, आप कुछ अपने आज के स्विमिंग के थॉट शेयर करें बेटर। बहुत ज़्यादा ठंडा है। एक्चुअली ये एक चैलेंज है कि हम लोग यहाँ इस पानी में हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैलेंज, ये एक चैलेंज है और हम लोग ये ले पा रहे हैं, वही हम लोग के लिए बहुत काफ़ी है। आप जैसा कि देखा, अभी एलविस भाई को भी देखा कितना कप रहे हैं ठंडी में। उस चैलेंज को करने के लिए हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, 1-1 घंटे से दोबारा से निकल कर पानी में दोबारा बारिश में स्विमिंग कर रहे हैं। जयंत, आप कुछ कहना चाहोगे? भारत माता की जय। बहुत ठंडा पानी है, अभी 5 किलोमीटर स्विमिंग करके बाहर निकला हूँ मैं और मेरी टीम। अभी हमारा मॉक ड्रिल चल रहा है आज, कल हम फिर से यही करने वाले हैं और हमें विश्वास है कि हम इंडिया को प्राउड फील करके देंगे। थैंक यू सर। आज का हमारा स्विमिंग कैसा रहा सर, थोड़ा आप बताइएगा। हमारा इंट्रोडक्शन, हमारे सर महाराष्ट्र से और डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट से हैं और इन्होंने काफ़ी स्विमिंग और स्पोर्ट में काफ़ी कुछ हम लोगों को गाइड करने के लिए आए हैं। सर अपना दबले सर जी फ्रॉम महाराष्ट्र जी, आप बताएं सर थोड़ा जी। आज यहाँ पर प्रैक्टिस चल रहा है, आप देख रहे हैं कि वेदर कंडीशंस इतना फेवरेबल नहीं है, फिर भी हमने जो प्लान डिसाइड किया था इसके मुताबिक यहाँ पर आज 1 आवर स्विमिंग, बाद में हाफ एन आवर ब्रेक, फिर उसके बाद 1 आवर स्विमिंग होगा। वेदर इतना फेवरेबल नहीं है, बारिश भी आ रही है, विंड फोर्स भी काफ़ी है और वाटर टेम्परेचर भी बिलो 15 आज दिखाई दे रहा है। तो लेकिन फिर भी हमारे स्विमर्स का कॉन्फिडेंस और मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हम हमारा जो इवेंट है नॉर्थ चैनल टू स्कॉटलैंड, ये अच्छी तरह से पूरा करेंगे निश्चित ही। थैंक यू सो मच सर जी। जयप्रकाश दुबले सर हैं, काफ़ी इन्होंने स्विमिंग में अच्छा, और अब नेक्स्ट हमारे एसोसिएट कोच विजय कुमार सर जी काफ़ी दिव्यांग लोगों के लिए एक अच्छा पैरालंपिक कमेटी में भी दिव्यांग लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया है। तमिलनाडु की तरफ से जितने भी पैरा स्विमर्स आते हैं सर के एक हौसले से गाइडेंस से आते हैं। सर आज का यहाँ का कोल्ड के बारे में और हम लोगों ने किस तरीके से ये स्विमिंग कर रहे हैं आप थोड़ा बताएं सर। नमस्ते, मैं विजय कुमार असिस्टेंट कोच हूँ। अभी हमारा चीफ कोच जयप्रकाश सर बताए थे ऐसे ही क्लाइमेट है, और जो जिस दिन जैसे डेली रहा उससे थोड़ा कम ही था टेम्परेचर, और बहुत मुश्किल से इन लोग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और सबका उदाहरण है ये सत्येंद्र जी। तो सत्येंद्र जी कर सकता है तो क्यों हम क्यों नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा हौसला बढ़ रहा है जो देश के लिए अपने लिए भी कर रहे हैं, तो ये पक्का करेंगे, कितना भी तकलीफ हो फिर भी करके ख़त्म करेंगे और उनका सपोर्ट हम करेंगे और उनका जो भी मदद है
हम करते रहेंगे। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयर ऑफ काइंड वर्ड। ये अंडर टू 14 इयर्स ही इज स्नेहन फ्रॉम तमिलनाडु। हाउ वाज योर स्विमिंग इन टुडे? टुडे इट्स वेरी कोल्ड एंड द वाटर टेम्परेचर विल बी लेस देन 14 डिग्री एंड एयर टेम्परेचर इज नियरली 15 डिग्री एंड आई फील वेरी कोल्ड। वी हैव प्रैक्टिस हियर फॉर 1 आवर एंड वी आर गोइंग टू अगेन स्विम फॉर 1 आवर। थैंक यू। गुड। आप जैसा सभी के विचार थॉट पे के यहाँ पर कितना हमारा कैमरा भी आप देख रहे हिल रहा है, इतना ठंड फील महसूस कर रहा है, फिर भी हम इसमें दोबारा से जाएंगे। अभी हमारा 30-45 मिनट्स का ब्रेक था, अब हम दोबारा से इसी बारिश के साथ कोल्ड वाटर के साथ इतने चैलेंज के साथ हम स्विमिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कुछ बोलना चाहते हैं? आप तो ये देख रहे होंगे बारिश में स्विमिंग हो रही है, एक्लमेटाइजेशन किया हुआ है। इससे पहले बना बस्ती आपको 45 मिनट्स ब्रेक किया, जैसा कि सर बता रहे हैं जय प्रकाश सर जी बना दोबारा से करके आए हैं। 12-13 डिग्री के टेम्परेचर है सर, ऊपर कितना बारिश हो रही है, कितना कोल्ड है। ये चीज़ें ही हमें आगे बढ़ने में एक हेल्प कर रही हैं। जितनी भी डिफिकल्टी के साथ हम ट्रेनिंग करेंगे उतना ही जो हमारा फाइनल अटेम्प्ट होगा वो हमें बहुत सक्सेस मिलेगी, जिससे हम उसको एक्लमटाइज करके पार करेंगे सभी लोग और अपने देश का नाम यहाँ पर तिरंगा झंडे को फहराएंगे। थैंक यू सो मच।